दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका फिर से मेरी चैनल बीएनएचएल में स्वागत है। आज मैं करने वाला हूँ नर्फ नाइट्रो सीरीज फ्लेम शॉट का अनबॉक्सिंग वीडियो। और हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स थोड़ा सा डैमेज मिला है हमको इसमें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे नर्फ की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको नर्फ नाइट्रो की भी ब्रांडिंग मिल जाती है गाइस। यहाँ पे आपको फ्लेम शॉट मॉडल का नेम भी मेंशन है गाइस। और इसके साथ आपको टोटल दो कार्ड्स मिल जाती है, यहाँ पे लिखा है दो फोम कार्ड्स मिल जाती है। मैं भी पहली बार फोम कार्ड्स देख रहा हूँ, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी आपको मैं पीछे की साइड दिखाऊँ तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2000 मेंशन की और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पीछे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और हमें बॉक्स में से इतनी चीजें मिल जाती है गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये ब्लास्टर दिखा देता हूँ गाइस। आप इसको ब्लास्टर भी बोल सकते हो या लॉन्चर भी बोल सकते हो गाइस। आपको यहाँ पे नर्फ नाइट्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है गाइस। यहाँ पे अच्छी सी एक पैटर्न दी हुई है, काफी अच्छी लग रही है। आपको पीछे की साइड दिखाओ तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे भी नर्फ नाइट्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी ये पैटर्न है गाइस। ये रहा हमारा मेन ट्रिगर गाइस, ये हैंडल है ये ब्लास्टर को लोड करने के लिए गाइस। यहाँ से आप ये कार को इंसर्ट कर पाओगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ गाइस। अभी मैं आपको ये दूसरी चीज दिखा देता हूँ गाइस, ये ट्रेल है, इसकी वजह से गाड़ी स्टेबल रहेगी लॉन्च होने के टाइम। ये रैंप है गाड़ी को कूदाने के लिए गाइस। और ये रही हमारी दो कार्स गाइस, ये फॉर्म की है, काफी लाइट वेट है। अगर आपको हॉट व्हील की कार्स पसंद है तो ये आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है गाइस, ये देखिए, और काफी स्मूथ चल रही है ये देखिए। और काफी अच्छी क्वालिटी इसकी फॉर्म की गाड़ी होने के बाद भी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ब्लास्टर में कार को लोड करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से कार को यहाँ पे इंसर्ट करना रहेगा। ये देखिए, ये दूसरी कार भी आ गई। आप एट अ टाइम दो कार लोड कर पाओगे इसमें। अभी मैं आपको इसको लोड करके भी दिखा देता हूँ। आपको सिंपली ये हैंडल को पीछे ले जाना है, ये देखिए मैं पीछे ले जाता हूँ और आप यहाँ पे देखना कि कार कैसे इंसर्ट होती है। ये देखिए कार इसमें इंसर्ट हो गई, नीचे आ गई है। अभी मैं आपको एक बार फायर करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ओ वाओ, काफी अच्छी लग रही है फायर होने के बाद। अभी मैं आपको ये रैंप अटैच करके भी दिखा देता हूँ, ये ट्रेल और रैंप अटैच करके। सबसे पहले आपको ये ट्रेल को यहाँ पे अटैच करना रहेगा, ये देखिए ये रैंप अटैच हो गया। अभी मैं ये ट्रेल को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ये देखिए। और आप ये इंसर्ट होने के बाद इसको बड़ा या छोटा भी कर पाओगे इस तरह से। अभी मैं वापस ये लोड कर लेता हूँ ब्लास्टर, ये देखिए, ये ब्लास्टर वापिस लोड हो गया गाइस। अब मैं आपको फायर करके दिखाता हूँ, ओ वाओ। तो आप इस तरह से इसमें कार को जंप भी करा पाओगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे। तो दोस्तों, अभी मैं ब्लास्टर की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मुझे ब्लास्टर की क्वालिटी काफी सॉलिड और प्रीमियम लगी है, काफी अच्छा लुक है इसका। इसमें व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, ब्लास्टर को काफी अच्छा लुक दे रहा है। काफी बड़ा ब्लास्टर है और कंफर्टेबल भी है। अभी मैं बात कर लेता हूँ ये दोनों कार के बारे में। ये दोनों कार गाइस फोम की बनी है और मुझे ज्यादातर हॉट व्हील्स की कार ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ये दोनों कार भी काफी अच्छी लगी है, क्योंकि आप इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, फोम की बनी है इसलिए, और डैमेज भी नहीं होगी। ये बात मुझे इसकी स्पेशल लगी गाइस, और काफी अच्छी क्वालिटी की है फोम की होने के बाद भी गाइस। ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसे हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं।
ब्लास्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, ब्लास्टर का परफॉर्मेंस काफी कमाल का लगा, मुझे तो काफी मजा आ गया गाइस इसके साथ। सीरियसली सच बोलो तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं हॉट व्हील्स यूज किया करता था। मुझे अभी तक ब्लास्टर में कोई भी जाम की इश्यू नहीं मिला। इसमें जो हैंडल दिया वो भी काफी स्मूथली वर्क कर रहा है गाइस। अभी मैं बात करता हूँ कार्स के बारे में गाइस, मुझे कार्स की स्पीड, एक्यूरेसी, रेंज और स्टेबिलिटी, ये चारों चीज काफी कमाल की लगी है। जब मैंने इसको कंपाउंड में यूज किया तो मुझे इसकी रेंज 20-25 फीट तक मिले, जो कि काफी अच्छी बात है। जब ये ब्लास्टर को रैम के साथ यूज करोगे तो आपको रेंज काफी कम मिलने वाली है कार की, लेकिन जब कार जम करेगी वो देख के आपके बच्चों को काफी मजा आएगा गाइस। मुझे तो ये ब्लास्टर काफी कमाल का लगा है, डेफिनेटली आप ये ब्लास्टर बाय कर सकते हो, आपके बच्चों को काफी पसंद आएगा और काफी एंजॉय करेंगे इसके साथ। सीरियसली अगर आपको ये ब्लास्टर बाय करना है तो मैंने इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, वहां जाकर बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।